राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे हंसी का मोटवानी के बारे में। एक जो है भारतीय फिल्मी एक्ट्रेस हैं जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं। हंसिका ने अपना डेब्यू जो है तमिल फिल्म देशमुद्रु से किया था सन 2007 में। इस फिल्म के लिए जो है उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के अवार्ड से भी नवाजा गया। अब बात करते हैं हम निजी जीवन के बारे में। इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1991 को हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में। हंसिका के पिता जो है प्रदीप मोटवानी एक बिजनेसमैन हैं। उनकी माँ मोना मोटवानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अब बात करते हैं इनके एक्टिंग करियर की। हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट दूरदर्शन के शो सकला का बूम बूम से की थी। इसके बाद जो कई अन्य टीवी शोज में नजर आई बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। हंसिका जो है कोई मिल गया फिल्म में भी नज़र आ चुकी हैं। बतौर एक्ट्रेस की बात करें तो अपना एक्टिंग डेब्यू अल्लू अर्जुन के अपोजिट तमिल सिनेमा की फिल्म देशमुद्रु से किया था। उसके लिए जो है इनको बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलेगा। हंसिका मोटवानी जो है इमेश रेशमिया के साथ आपका शुरू से डेब्यू किया था हिंदी फिल्मों में, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित रही। प्रसिद्ध फिल्में हवा, कोई मिल गया, हम कौन है, मनी है तो हनी है, बिल्ला मस्का और कॉल और कन्नड़ी पावर अंबाड़ा आदि इनकी जो है प्रसिद्ध फिल्में हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया अपने चैनल को।